हेलो गाइस, टुडे वी लुक लाइक वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू बट वी आर नॉट. वी आर एक्चुअली गोइंग फॉर अ प्रैंक. सिंस T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग अप, वी वांट टू सी वेदर आर फैंस आर रेडी. वी आर एक्चुअली गोइंग टू आस्क अ फ्यू क्रिकेट फैंस अ फ्यू क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू बी फेक. यस, अ लॉट ऑफ फेक न्यूज. लेट्स सी इफ दे कैच ऑन टू अस ऑर नॉट. यू गाइस वॉच क्रिकेट राइट? Yeah, sometimes. Yeah, a bit. Yeah. Yeah, yeah. Who okay. doesn't being in India? You have to. Yeah. I'm saying you can love it or hate it. You can't ignore it. Yes, a little bit. Yeah, absolutely. You haven't found a single girl who watches cricket. Yeah. You know Robin Uthappa, right? Yeah. Obviously, he was not getting a chance in India for a long time. So now the New Zealand government has given him a citizenship to play for them, and he's taken it. What do you think about it? I think it is right on his part. सही है ना, उसके पास टैलेंट है. अपना देश नहीं दे रहा तो दूसरे देश में जाके खेल रहा, दिक्कत क्या है? If he is given a chance, why not just take it and just go for that? I want कि वो यहाँ से खेलता. He's a very good batsman. The tricky part is he's going to play his first match against India. अच्छा ना, if he doesn't do well, IPL में भी उसका स्टॉक नहीं चल रहा है. So और IPL में वो इंडियन प्लेयर होगा कि फॉरेन प्लेयर? अब तो फॉरेन प्लेयर होगा. He's an NRI है तो उनको फॉरेन प्लेयर मानना ही पड़ेगा. चाहे रोबिन उथप्पा साथ हो ना हो, रेस्ट ऑफ द 11 जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स होंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ करेंगे. आई थिंक इट इज काइंड ऑफ चैलेंजिंग फॉर हिम बिकॉज इंडियन टीम दे नो यू नो हिज स्ट्रेटजीज, हिज वे ऑफ स्टाइल, एवरीथिंग. सो आई थिंक इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू प्रूव इट टू देम. सो मैकलम इज नॉट देयर, सो द न्यू विकेट कीपर दे हैव वैन पर्सी. दे से दैट हिज फुटवर्क इज रियली गुड. He can like really dribble and shit. So what do you have to say about him? नए में तो सब fast रहते हैं. इसे भी 10 साल इंडस्ट्री में रहने दीजिए, फिर देखते हैं कि इस लेवल तक वो मेंटेन कर सकता है कि नहीं. As soon as Brandon McCullum